ओके गाइस, आज हम आम की लस्सी बनाने जा रहे हैं। मैंगो की लस्सी बहुत ही अच्छी लगती है और मार्केट में आम स्टार्ट हो चुके हैं आना, क्योंकि गर्मियों में आम खाना किसे पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है और अच्छा भी लगता है। आम सबका फेवरेट होता है, सबके घरों में पाया जाता है। और देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक आम लिया है जिसकी हम लस्सी बनाने जा रहे हैं। इस आम के हम ऊपर से कट कर देते हैं और कट करके इसे बारीक बारीक इसका पल्प निकाल के इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से ही एक आम लिया है और इसे बारीक बिल्कुल मिक्सी में पीस लिया है। और चलो हम अपनी लस्सी बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक कटोरी दही ली है जो मैंने घर में ही जमाई थी, और अच्छे से हम इसे डाल देते हैं। और क्योंकि लस्सी मैं हाथ से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जो हाथ से टेस्ट आता है लस्सी का बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि मिक्सी वगैरह में लस्सी अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ हाथ से बनाने जा रही हूँ। पहले इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और दही हमेशा थोड़ी मीठी लेनी चाहिए, क्योंकि खट्टी दही की लस्सी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने घर में ही अपनी दही जमाई थी। और यहाँ पर हम जो मैंने मैंगो का पल्प निकाला है वो डालेंगे। और यहाँ पर मैंने शक्कर ली है जो मिक्सी में से बारीक पीस ली है, आधी कटोरी से कम हम शक्कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हो। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे, इससे मतलब ज़्यादा ठंडक रहेगी और हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें गाइस पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो आइस क्यूब डाली है उसमें आइस क्यूब में भी पानी बन जाता है। और अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा आप पानी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर जो थोड़ा सा मेरा बचा था उसे मैं डाल देती हूँ। गाइस, हमारी मैंगो लस्सी बन के बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो एकदम हमने गाढ़ी लस्सी बनाई है, और गाढ़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल आसानी से बन भी जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे हम इसे सर्व करेंगे, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंगो तो सबकी जान होते हैं। यहाँ पर मैंने दो गिलास लिए हैं, इन्हें हम सर्व करते हैं गिलासों में। और यहाँ पर मैंने दही की जो मलाई होती है गार्निश के लिए हम वो डालेंगे। अगर आपके पास रबड़ी है आप रबड़ी भी डाल सकते हो, मलाई से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर गार्निश के लिए हम थोड़ी मलाई डालेंगे। ये दही पे ऐसे मैंने निकाल दी थी, जो दही पे जमती है, हम घर में दही जमाते हैं। थोड़ी हम दही डालेंगे, अगर आपके पास रबड़ी है तो रबड़ी भी डाल सकते हो। और थोड़े से हम यहाँ ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी, थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डालेंगे गार्निश के लिए। और ये मैंगो लस्सी है तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे मैंगो के पीस कट कर लिए थे, वो डालेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंगो की लस्सी में अगर मैंगो नहीं हो तो लगता नहीं है। और हमारी बिल्कुल मैंगो लस्सी बन के गाइस बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। और मैंगो तो मेरे तो फेवरेट हैं, वैसे सबके अधिकतर फेवरेट होते हैं। और देखिए गाइस, ये हमारी मैंगो लस्सी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप भी गर्मियों में मैंगो लस्सी बना के इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ।